सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप मतलब जितने भी इंडिया में बैंक्स हैं, सभी बैंक्स का अगर आपको न्यू आईएफएससी कोड पता करना है तो कैसे पता कर सकते हो। अगर आपको अपनी बैंक का पता करना है, आपकी पंजाब नेशनल बैंक अगर है या फिर एसबीआई है, किसी में भी आपका अकाउंट अगर आपको उसका पता करना है, अपने एसबीआई बैंक का जो कि न्यू आईएफएससी कोड अपनी ब्रांच का, तो आप कैसे पता कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहीं से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, और उसके बाद फाइंड आईएफएससी कोड के ऊपर क्लिक करना है बाय बैंक। यहाँ पर आप देखोगे सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, अपना बैंक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट बैंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका कौन सा बैंक है वो आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरा यस बैंक है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको सिलेक्ट बैंक के ऊपर क्लिक सिलेक्ट स्टेट के ऊपर आपको क्लिक करके अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा कि आप किस स्टेट से हो। तो मैं हरियाणा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, तो यहाँ पर फरीदाबाद मैंने सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सिलेक्टेड ब्रांच के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना है। अगर आपको ब्रांच नहीं पता तो आपकी जो पासबुक है उस पर लिखा होगा, जो फर्स्ट पेज होता है जहाँ पर आपकी सारी डिटेल होती है, जहाँ अकाउंट नंबर वगैरह होता है, वहाँ पर आपको ब्रांच नंबर मतलब ब्रांच का नाम दिख जाएगा। तो आप वो ब्रांच नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक ऐड आ चुकी है, तो चलिए हम इस ऐड को यहाँ से भी कट कर देते हैं। तो यहाँ से इस ऐड को मैंने कट किया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें कि आईएफएससी कोड ये है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो कि आईएफएससी कोड ये है, उसके बाद इसका जो ब्रांच कोड है वो यहाँ पर मिल जाएगा। येस बैंक ये है, ब्रांच कहाँ का है, और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इनसे कन्फर्म कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बैंक का एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी बैंक का आईएफएससी कोड निकाल सकते हो न्यू वाला। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।